ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कोई साधारण सी किताब नहीं है। जिस तरह से इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को बाइबल माना जाता है, उसी तरह से जीसी लियोन की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एक पॉपुलर ऑप्शन होने के साथ साथ मस्ट हैव बुक्स की कैटेगरी में लाइक करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस बुक के कंटेंट का एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि वो क्या खास बात रहती है इस बुक के कंटेंट में जो ये बुक इतनी प्रेफर की जाती है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा। वैसे ये बुक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के साथ साथ जनरल कॉम्पिटिशंस की प्रिपरेशन में भी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें जो आपको टॉपिक्स कवर क्यों मिलते हैं, टोटल 25 है, वो आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स क्लियर करने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। और मेनली फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक इस बुक में कवर नहीं किया गया। बात रही कवरेज की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 चैप्टर्स इस बुक में कवर किए गए हैं, 2 पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है। MRP है इस बुक की ₹325। अगर आपको लगता है कि वाकई ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड इंडिया ने इस बुक को पब्लिश किया है, जो एक जाना माना पब्लिशर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस बुक के कंटेंट को इन डिटेल। सो दिस इज द कंटेंट्स ऑफ द बुक। पार्ट 1 डील्स विद फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पहला चैप्टर आपको मिलता है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। सेकंड है इसमें द अर्थ क्रस्ट। थर्ड चैप्टर वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। फोर्थ वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। फिफ्थ लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। सिक्स्थ लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। सेवंथ एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। एट लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स। नाइन्थ लेक्स। टेंथ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इलेवेंथ आइलैंड एंड कोरल रीफ्स। 12 डी ओशंस। पार्ट 2 जो है वो वेदर, क्लाइमेट और वेजिटेशन के टॉपिक से डील करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी कवर की हुई मिलती है। 13 चैप्टर है वेदर, 14 क्लाइमेट, 15 द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, 16 चैप्टर है इसमें द ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स, 25 चैप्टर्स आपको कवर किए मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ही चैप्टर को देख लेते हैं, जो कि है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि यूनिवर्स है क्या, जो गैलेक्सीज रहती हैं के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कंसिस्ट करती है 100 मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स को, एंड सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, जो प्लैनेट्स की लोकेशन है अराउंड द सन वो आपको एक्सप्रेस की मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। इसमें कौन सा प्लैनेट कहाँ लोकेट करता है, एक पार्टिकुलर प्लैनेट के कितने मून्स हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिर ये द शेप ऑफ द अर्थ, एविडेंस ऑफ द अर्थ स्फेरिसिटी, वो रीजंस बताए जाएंगे कि आखिर अर्थ को स्फेयर क्यों कंसीडर किया जाता है, जैसे सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, द सर्कुलर हॉरिजॉन, शिप्स विजिबिलिटी एंड सनराइज एंड सनसेट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अर्थ को एक स्फेयर माना गया है। हालांकि अर्थ जो है वो एक प्रॉपर स्फेयर नहीं है, जो अर्थ की शेप है उसको जियोइड कहा गया है। जियोइड यानी कि अर्थ लाइक शेप। ग्लोब एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। फिर द अर्थ मूवमेंट डे एंड नाइट, द अर्थ रिवॉल्यूशन, एंड देन आपको जो सीजन्स रहते हैं, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के टॉपिक्स रहते हैं वो आपको कवर किए मिलेंगे, जो आपको क्लास 6 NCERT में भी कवर किए मिल जाएंगे। आपको एक्सरसाइजेस का सेगमेंट मिलेगा जिसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। बेसिकली ये जो है वो अकेडमिक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि ये जो बुक है वो ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर आप UPSC या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एट स्टेट लेवल, ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो सकते हैं, मेनली फॉर मेन एग्जाम्स। ये चैप्टर 2 है द अर्थ क्रस्ट। इसमें जो अर्थ का स्ट्रक्चर रहता है वो आपको बताया जाएगा, और जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन है इनटू द इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो आपको कवर किया मिलेगा। और बीच बीच में आपको मैप्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिल जाते हैं। इन सभी चीज़ों से होता क्या है कि जब आप इस बुक की रीडिंग करते हो, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है इन सबको समझने में, और इवेंचुअली आप अपने बेस को क्रिएट कर लेते हो फिजिकल ज्योग्राफी में। तो काफ़ी अच्छी ये बुक रहती है, और मेनली आज ये बुक जो है वो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मानी जाती है। ऑलमोस्ट हर एक UPSC एस्पिरेंट इस बुक को बाय करता है, और फिजिकल ज्योग्राफी के ज़्यादातर टॉपिक्स इस बुक से ही कवर करता है। वैसे अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की NCERT पढ़ लो ज्योग्राफी की, तो आपको हाफ ऑफ द टॉपिक्स जो इस बुक में कवर किए गए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। NCERT में भी आपको कुछ बेसिक से टॉपिक्स मिल जाते हैं। ये थर्ड चैप्टर है वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। तो मैं मानता हूँ कि ये बुक को एक मस्ट हैव की कैटेगरी में आती है, आप इस बुक को ज़रूर से बाय करें। और दोस्तों, आप ये ना सोचना कि आप जब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तभी आप इस बुक को बाय करें। अगर आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, आप ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स को लर्न करने में रुचि रखते हैं, देन ये बुक एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगी। ये चैप्टर 4 है वेदरिंग,
मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। अगर इस बुक को आप क्लास 6 से 12 की जो NCERTs रहती हैं ज्योग्राफी की उनको पढ़ने के बाद पढ़ें तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपके जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये 5th चैप्टर इस बुक का लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। अगर आप कंपेरिजन करो इस बुक का क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं इस बुक के, तो अगर आप उस बुक को भी पढ़ लोगे तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। देन जब आप इस बुक पे मूव करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी ज़्यादा सिंपल इस बुक की थ्योरी लगेगी। ये 6th चैप्टर है लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, तो ओवरऑल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बुक का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये चैप्टर 9 है लेक्स, जो सेकेंड पार्ट है इस बुक का, वो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से डील करता है। और दोस्तों इस बुक में जो प्रेजेंटेशन रहता है, कंटेंट का प्रेजेंटेशन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा प्रेजेंटेशन। और एक और चीज़ जो इस बुक की सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है कि इसमें फालतू की इन्फॉर्मेशन कवर नहीं की गई है, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये 15 चैप्टर है द हॉट वाइट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, देन ये 16 चैप्टर है द ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पतली ये बुक है, लेस देन 200 पेजेस में ये बुक तैयार कर दी गई है। लेकिन आप ये ना सोचो कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक छोड़ा गया है जो UPSC प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से क्रूशियल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक कंप्लीट पैकेज है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया गया है। मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ, आप ये ना सोचो कि इस बुक को बाय करके आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लोगे। इस बुक के थ्रू आप केवल अपने फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको कोई और बुक लेनी होगी। और वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लास 12th NCERT की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सफिशियंट है UPSC प्रीलिम्स के हिसाब से। ये 19 चैप्टर इस बुक का द वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि इस बुक में कोई भी टॉपिक छोड़ा गया है, काफ़ी इफ़िशियंट वे में ये बुक तैयार की गई है। आप इस बुक के थ्रू अपने फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स इजीली बिल्ड कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितनी कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए लेनी है। ये 22nd चैप्टर है द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए प्रूफ होगी। आप इस बुक को ज़रूर से बाय करें, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, आप जान गए होंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, क्या वाकई ये बुक इफेक्टिव है। अगर वाकई आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव प्रूफ हुई है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी पता चल जाए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय GC लियोंग की बुक आखिर इतनी क्यों प्रेफर की जाती है UPSC एस्पिरेंट्स के द्वारा। चलिए मिलता हूँ एक नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।